प्यारा सितार बजाता है तो सितार से स्वर कब पैदा होगा? जब उसको एक संतुलन में उसके तंतु को, उसके तार को कसा जाएगा। बहुत अधिक कस दिया जाए तार टूट जाएगा, ढीला छोड़ दिया जाए स्वर नहीं पैदा होगा। तो उसका एक संतुलन कि कितना कसना है, वैसा ही संतुलन हमारे ऋषियों ने बनाया है कि मानव जीवन को कितना कसना है और कैसे इस जीवन को संतुलित करके इसमें से स्वर पैदा करना है। योग क्या है? समत्वम योग उच्चते, समत्व ही योग है। श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं जिसके जीवन में समता आ गई, माने अतियों का जिसके जीवन में अभाव है, बहुत बरस जाए तो बाढ़ आ जाएगी, बिल्कुल ना बरसे सूखा पड़ जाएगा। बहुत अधिक कोई बोलता है हमें लगेगा कब उठ जाए, और कोई बिल्कुल नहीं बोलता तो हमें लगेगा पर बैठा काहे को है। संतुलन जीवन में बहुत आवश्यक है, और जिसने अपने जीवन को संतुलित कर लिया है उसी के जीवन से संगीत पैदा होने लग जाता है, उसी का जीवन सरस और संगीतमय हो जाता है। कितना खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, कितना सोना है, कितना बोलना है, सब हमारे महर्षियों ने एक संतुलन बनाकर रखा है कि ऐसा करें। उन ऋषियों की उस व्यवस्था के कारण ही हमारा जीवन स्वव्यवस्थित है और उसके कारण ही हम मनुष्य बनने योग्य हुए, मनुष्य कहला रहे हैं, वरना तो हम भी पशु हों। जब मर्जी खाएं, जब मर्जी सोएं, जब मर्जी उठें, जब मर्जी जो करें। धर्म जिसके जीवन में नहीं है वह जीवन पशु तुल्य है।